हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एसबीआई क्लर्क की सैलरी स्लिप। ये एक न्यू ज्वाइनी की सैलरी स्लिप है जिन्होंने 2023 में ज्वाइन किया था और 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट होने के बाद सैलरी में क्या इंक्रीमेंट हुआ है, बेसिक पे कितनी हुई है। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एसबीआई में एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हो, ये जून 2024 की सैलरी स्लिप है और इन्होंने 2023 यानी कि लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया हुआ है। देखिए, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट होने के बाद सैलरी में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अभी जो न्यू बेसिक पे है वो 26,730 है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, बेसिक पे मिला हुआ 26,730। डीएनएस अलाउंस बनाया 5,778 रुपीज। डीएनएस अलाउंस 15.97% के अकॉर्डिंग है। अभी डीए इंक्रीज हो चुकी है तो नहीं, अगर सैलरी स्लिप आप देखोगे तो उसमें डीए आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें हाउस रेंट अलाउंस की, तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो होता है ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर। ये अगर आप बड़े शहर में रह रहे हो तो वहाँ एचआरए आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप कोई गाँव वगैरह वाले एरिया में रह रहे हो तो आपको जो आपकी जो यहाँ पे एचआरए बनती है वो काफी कम बनेगी। तो यहाँ पे एचआरए बना हुआ है 2,791। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना है 850 रुपीज। स्पेशल अलाउंस बना है 7,083 रुपीज एंड स्पेशल पे अलाउंस बना है 500 रुपीज। तो अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो यहाँ इनकी ग्रॉस बनी है 43,732.84 रुपीज। अब अगर डिडक्शंस की बात करें तो यहाँ ईपीएफ का डिडक्शन हुआ है 2,723 रुपीज एंड एनपीएस का डिडक्शन हुआ है 3,174 रुपीज। तो ये ईपीएफ एंड एनपीएस जो रहता है ये आपका ही रहता है, ये बाद में आपको जाके मिलता है। तो यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो कोई डिडक्शन वगैरह नहीं हुआ है, ये आपकी एक तरह से सेविंग्स ही है। और यहाँ पे इनकम टैक्स का डिडक्शन आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इनकी जो सैलरी है काफी कम है। जब आपकी सैलरी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, टैक्सेबल इनकम में जब आपकी सैलरी आ जाएगी तो फिर टैक्स डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ अगर टोटल डिडक्शंस की बात करें तो टोटल डिडक्शन बने हैं 5,897 रुपीज। और अगर टेक होम पे यानी कि जो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी वो सैलरी है, वो अमाउंट बना है 37,836 रुपीज। तो यहाँ आप समझ सकते हो ये एक न्यू ज्वाइनी, अगर आप एसबीआई में क्लर्क के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट मंथ से आपकी जो सैलरी बनेगी ये 37,38,000 के अप्रॉक्स रहने वाली है, क्योंकि डीए वगैरह भी इंक्रीज हो जाएगा तो 38,39,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा क्या बात करते हैं कि सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको यहाँ मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है, 20 लीटर का अमाउंट रहता है। ये भी डिपेंड करता है कि जैसे आपके पास व्हीकल है तो आपको ज़्यादा मिलेगा, व्हीकल नहीं है तो आपको पेट्रोल अलाउंस वगैरह थोड़ा कम मिलता है। और इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, तो ये सब ऐड करके 3,000 रुपीज पर मंथ आपका हो जाता है। ये भी आप एक्चुअली सैलरी में आप ऐड करके इसे देख सकते हो। तो इस वे क्लर्क के अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, सिटी अलाउंस मिलता है, देन मेडिकल अलाउंस आपको मिल जाता है। जो मेडिकल अलाउंस होता है ये एक तरह का कैश मेडिकल बेनिफिट होता है जो आपको साल में एक बार मिलता है, एक लमसम अमाउंट रहता है वो आपको मिलता है। उसके बाद न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, फर्नीचर अलाउंस मिलता है, फर्नीचर अलाउंस 5 साल में एक बार मिलता है। इसका जो अमाउंट रहता है ये चेंज होता रहता है, मतलब जैसे जैसे रिविजन वगैरह आती है, सेटलमेंट वगैरह होता है तो उसके बाद सैलरी इंक्रीज हो जाती है। फिर लीव फेयर कंसेशन भी आपको मिलता है, जैसे अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो उसके लिए फिर आपको जो आपके फेयर वगैरह लगते हैं वो आपको कुछ रिइंबर्समेंट वगैरह मिल जाता है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि सैलरी आपको यहाँ बहुत ही अच्छी मिलती है, मतलब ज्वाइनिंग सैलरी अगर आप समझ सकते हो कि ग्रेजुएशन लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हो एंड जो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी ये लगभग 40,000 के आसपास, 40,000 के अप्रॉक्स आपकी मंथली सैलरी रहती है। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पे आपको जो पोस्टिंग मिलती है बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि, मतलब एक तो आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको पता रहता है कि आप किस स्टेट में रहोगे, और उसमें भी अगर आपने अपने स्टेट में अप्लाई किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके होम टाउन में नियर बाई अगर वैकेंसी रहती है किसी ब्रांच में तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये सारी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली आपको मिलेगी, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है तो आपकी जॉब सिक्योर रहती है, काफ़ी स्टेबिलिटी रहती है जॉब में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है क्योंकि सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। एनपीएस एंड पीएफ की यहाँ बेनिफिट आपको मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए रहता है एंड आपके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनके लिए भी रहता है। उसके बाद प्रमोशन पॉलिसी एसबीआई की काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब 3 से 4 साल में अगर आप क्लर्क के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो आप इजिली 3-4 साल के बाद जो ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट रहती है उसमें आप प्रोमोशन आप ले सकते हो। हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोमोशन नहीं लेते हैं क्योंकि प्रोमोशंस लेने के बाद ना आपके ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कई लोग प्रेफर करते हैं कि प्रोमोशंस न ले और उसी पोस्ट में यानी क्लरिकल पोस्ट में ही रह के और उनकी जो नॉर्मल जो इंक्रीमेंट वगैरह होता है उसके कारण उनकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दूसरे बैंक्स में, कि वहाँ प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा
खतरा रहता है प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि अभी आप देख रहे हो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा बैंक्स में चल रहे हो, लेकिन SBI बहुत बड़ी बैंक है और इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन का अभी कोई स्कोप है भी नहीं और फ्यूचर में भी प्राइवेटाइजेशन का कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये आपकी जो जॉब रहेगी ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, कोई प्राइवेटाइजेशन वगैरह का कोई कभी आपको खतरा नहीं दिखेगा। तो ये थी सारी डिटेल्स SBI क्लर्क के रिगार्डिंग। 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट होने के बाद सैलरी में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लगभग 20-21% इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि जो पहले बेसिक पे थी 19,900 समथिंग थी और अभी जो बेसिक पे है 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद 26,730 है, और जितने भी अलाउंसेज वगैरह होते हैं ये बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट होते हैं, इसलिए सारे अलाउंसेज वगैरह भी इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये थी सारी डिटेल्स, इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।